मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वरोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन स्वरोजगार ऋण वितरण लेने मेले का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि यह प्रदेश स्तरीय तृतीय ऑनलाइन ऋण वितरण था, जिसमें आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद और अन्य योजनाओं के लिए ऑनलाइन ऋण वितरण किया गया, जिसमें गोरखपुर जनपद के 6 लोगों को ऑनलाइन ऋण का चेक दिया गया। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित अधिकारी और बैंकर्स मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक जनपद एक उत्पाद के तहत 16 सामान्य जन सुविधा केंद्र का शिलान्यास एवं पूर्व में संचालित के एसाइड योजना के अंतर्गत स्थापित 5 केंद्रों का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सके इसके लिए लगातार लोन वितरण किया जा रहा है, जिससे वे अपना उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सके। अभी तक हम लोग नई इकाइयों के बीच में 17 लाख का रोजगार पैदा कर पाए हैं। लोगों के साथ और लीड बैंकर्स के साथ फिर समीक्षा करेगी और हम लोगों ने एक जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं हम लोग की उत्तर प्रदेश की, उसके तहत बैंकों के अंदर भी आपके पास जो एप्लीकेशन है, पहले तो एप्लीकेशन 3 गुना लेकर और 3 गुना बैंकों के ऊपर दें, बैंकों को भी ये चाहिए और विशेष रूप से जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो उन लोगों को ध्यान देते हुए उन लोगों को बढ़ावा और देना चाहिए, क्योंकि माइक्रो यूनिट्स के अंदर कठिनाई पैदा हो रही है कि उन लोगों को लोन आसानी से बैंक्स देते नहीं हैं, इस प्रकार की उन लोगों को शिकायतें आती हैं। तो इसको भी देखते हुए हम लोगों ने ये कल भी आदेश दिया है बैंकों को कि आपको ये दोनों चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कि आपने जिस प्रकार से एक गाइडलाइंस दी थी जब मैं MSME का मंत्री बना था, तो आपने विशेष रूप से कहा था ये जो ODOP है, साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं हैं और साथ साथ विश्वकर्मा सम्मान योजनाएं, इन सभी के अंदर जो टारगेट्स है उसको हम लोग को मीट करना चाहिए। इस दृष्टि से एक और चीज आपने कही थी कि हम लोगों को जो क्वालिटी है उसके प्रति भी ध्यान देना चाहिए और प्रशिक्षण पे भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो 3 आज प्रशिक्षण के कार्य है उसको भी शुभारंभ करा जा रहा है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना है, अनुसूचित जाति जनजाति प्रशिक्षण योजना है, हस्तशिल्प और कौशल विकास प्रशिक्षण योजना है, इन सबको लेते हुए ऑनलाइन करते हुए इसको शुभारम्भ किया जा रहा है और NIC के माध्यम से उनके सहयोग के माध्यम से इसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जितने भी आज MOU भी हो रहे हैं, चाहे वो eBay का हो, चाहे वो हमारे Flipkart का हो, इसके अंदर भी हम लोग ने विशेष ध्यान दिया है इनके माध्यम से भी प्रशिक्षण हो और प्रशिक्षण के अंदर जो टेक्निकल डिजाइन डेवलपमेंट है उस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है और क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी तो इनके ये हम लोग पे एक्सपोर्ट निर्यात भी होगा। इन सब चीज़ों पर हम लोग कार्य करवा रहे हैं। CFCs जो है ये मुझे याद है कि आपने इसके बारे में भी आदेश दिए थे और ये भी कहा था कि जब पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के पास CFCs के एप्लीकेशंस हम लोग के नहीं गए हैं, मगर आज मुझे खुशी है कि आपके आशीर्वाद से हम लोग आज 13 जनपदों में CFCs कर रहे हैं और विशेष रूप से जो एक सिद्धार्थ नगर के लिए आपने हमेशा कहा था काला नमक, आज वहाँ पर भी एक CFC का आपके माध्यम से उद्घाटन होने वाला है जो कि लगभग 7 करोड़ की है। इसी प्रकार से मुरादाबाद में जो हम लोग के ब्रास इंडस्ट्री है उनको बड़ी कठिनाई हो रही थी चाइना से कम्पीट करने में और उन लोगों का भी आज एक CFC का वहाँ पर भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से वाराणसी के अंदर क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे जो एक प्रिंटिंग का है, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, इसका कार्य नहीं हो पा रहा था, चाइना किसी के पास इसकी सुविधा ज़्यादा थी, तो इसको भी देखते हुए एक हम लोगों ने वहाँ पर भी डेवलपमेंट CFC का शुरू करा है, उसका आज आपके माध्यम से उद्घाटन होने का आगे लेके जा रहे हैं।
साइट के माध्यम से 22.21 करोड़ की लागत से दो ऐसी और योजना लेकर आगे आए हैं, तो ये सब मिलाते हुए 150.89 करोड़ की ये 19 सामान्य सुविधा केंद्रों का आज आपके कार्यक्रमों द्वारा शिलान्यास हो रहा है। और इसमें काला नमक से ही
रिलेटेड सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे उसमें वेयर हाउस है, मिल है और बीच है, सारी चीज़ें जो है उनको देने के लिए। और एक तरह से ये आशीर्वाद आपका यहाँ के किसानों का वरदान है। इसमें काला नमक चावल का उत्पादन वहाँ पे हो रहा है आपके जनपद में? जी जी सर, पहले जैसे इसका सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता था, किसान भाग रहे थे वहाँ पे, करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उत्पादन में कास्टिंग ज़्यादा होती थी, थोड़ा सा फसल की इसकी जो साइकिल है वो ज़्यादा होती है, गेहूँ के लिए लेट हो जाता था। अब तो काला नमक की नई वैरायटी आ चुकी है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने भी और कोसा इंस्टीट्यूट ने भी नई वैरायटी काला नमक की लेके आए हैं। जी सर, इस समय वहाँ किसानों को आप लोगों ने इसके साथ नहीं जोड़ा है? सर जोड़ा गया है, तीन वैरायटी, दो नई वैरायटी आई हैं, एक तो ट्रेडिशनल हम लोग जो बड़ी वाली जो सबसे होती थी KN3 करके है, वो ज़्यादा उसका इसमें ज़्यादा दिन तक रहता है, उस तरह से उसका सॉफ्टनेस भी अच्छा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरह से कैटेगरी में आ जाता है वो। और तो ये लेदर का है कि ये लेदर का सामान जो एक्सपोर्ट होता है वो कई बार रिजेक्ट हो जाता था, वहाँ जाकर उनका लौट आता था, और किसका यूरोपियन स्ट्रेटजी लगती है यही बोला गया सिस्टम में। अगर हम नमस्कार सर, पूरन डावर जी यहाँ सर वो ब्रीफ करेंगे सर। नमस्कार परम पूज्य देश के मुख्य सचिव शारदीय तिवारी जी, और स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त टंडन जी, शाहरुख सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव MSME श्री नवनीत सहगल जी, प्रदेश के न्यू बैंक ऑफ बड़ौदा समय से ही प्रमुख बैंकर्स से जुड़े थे सभी अधिकारीगण, और जनपद स्तर पर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ा है हमारे सभी कॉमन एसपी सेंटर तथा ओडीओपी के इस अभिनव, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर अलग अलग तबके के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, और आर्थिक पैकेज के किसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा आज तीसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। एक नई खुशहाली लाने, अपने आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने, CFC के माध्यम से उन्हें नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का एक अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सचमुच COVID-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। इन स्थितियों में हमारे स्तर पर COVID-19 के संक्रमण को रोकने
के साथ ही अपनी आर्थिक गतिविधियों को जिस त्वरित गति और कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो भी सार्थक प्रयास होगा उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे। प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है और खासतौर पर जब मैं देखता हूं कि 14 मई 2020 को यानी 13 मई को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और 14 मई को उत्तर प्रदेश एमएसएमई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सभी प्रदेश के जितने भी बैंक हैं सबके साथ मिलकर के बैंकर्स कमेटी के साथ बातचीत करके 57,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2,002 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरण का कार्य किया था। दूसरी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 26 जून 2020 को 1,35,000 नई इकाइयों को 4,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कि 98,743 नई इकाइयों को 2,447 करोड़ रुपए के ऋण के वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। यानी अगर आप देखेंगे तो 2,70,743 तक 8,949 करोड़ रुपए का ऋण संपन्न हो जाएगा। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी टेक्नोलॉजी कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 8,949 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण एमएसएमई उद्योग के लिए एक नई ऊर्जा है, एक नया प्रकाश है और इससे जो प्रयास प्रारंभ हुआ है इसको और गति देंगे। हमें उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपए का है, हमें अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और मैं इसके लिए अपने सब लीड बैंक के अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे विभिन्न बैंकों से जुड़े हुए उनके मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इन सबको इतने से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाया है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एमएसएमई सेक्टर को और खासतौर पर नए इकाइयों को इतने बड़े पैमाने पर लोन वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 2,71,743 नई इकाइयों को जो ऋण वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है, वास्तव में लाखों नौजवानों को रोजगार और सुखद रोजगार के साथ भी जुड़ेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश सेवायोजन रोजगार और सुखद रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। जो आशंकाएं पहले व्यक्त की जा रही थी उत्तर प्रदेश में 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर आएगी, इन माइग्रेंट लेबर के बारे में प्रदेश सरकार क्या कर पाएगी, और मुझे लगता है उसका सबसे सही जवाब है कि उनके स्वावलंबन के लिए उन्हें हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की योजना में सेवायोजन के साथ रोजगार के साथ और आज का ये कार्यक्रम इसी श्रृंखला में यहाँ पर आयोजित है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अपने उत्पाद की ब्रांडिंग के साथ साथ उसे बेहतर मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके,
जिसके लिए विभाग ने अमेजन के साथ, ईबाई के साथ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आज एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ साथ अपने प्रदेश में नॉलेज और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए नॉलेज स्टार्टअप के रूप में एकेटीयू भी उनके साथ सहभागी बन रहा है। तो पहली बार है जब हम अपनी संस्थाओं को बेहतर मंच दे रहे हैं और उनका ही उनकी प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय एकेटीयू अपने आप में एक बेहतर नॉलेज पार्टनर के रूप में उसने अपने आप को साबित किया है। कोरोना कालखंड के दौरान भी जब भी राज्य को आवश्यकता पड़ी, किसी विभाग को आवश्यकता पड़ी, एकेटीयू पूरी मजबूती के साथ वहां खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। और एमएसएमई के साथ उनका एमओयू इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की एक नई कड़ी है। प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो सके, एक जनपद एक उत्पाद की हमारी जो कार्य योजना है ये उसी श्रृंखला का एक हिस्सा। हर जनपद में कुछ ना कुछ हमारे पास मौजूद है जिसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसकी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, जिसको हम उस जनपद के साथ एक नई पहचान दिला सकते हैं और जिसके माध्यम से लाखों नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इससे आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर 13 CFC का एक साथ यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और लगभग 6 CFC का लोकार्पण भी आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। यानी ये अपने आप में साबित करता है कि अपने प्रदेश के स्थानीय उत्पाद को ही वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए CFC के माध्यम से बेहतर टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है और मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज जिन जनपदों से अभी मैंने यहाँ पर सीधे संवाद भी किया है, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, आगरा हो, संभल हो, सहारनपुर हो, यानी ये प्रदेश एक मध्य में है, वो मध्य में है, एक पश्चिम में, यानी ये अपने आप में इस बात को साबित कर रहा है कि प्रदेश के अलग अलग कोने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की संभावनाएं मौजूद हैं और ये प्रदेश की ऊर्जा और प्रतिभा को भी आगे बढ़ाने का एक बेहतर मंच बनेगा।